हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कलाकंद की रेसिपी, जो कि एक स्वीट डिश है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्वीट डिश बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने दो अलग अलग, आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग बर्तन में मैंने दूध रखा है। ये एक पतीले में मैंने 1 लीटर दूध अलग से लिया है और एक कढ़ाई में भी मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इट मीन्स मैंने इस डिश के लिए पूरे 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। तो पतीले वाले दूध से हम बनाएंगे छेना। जब इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर धीरे धीरे कर लेमन जूस ऐड करूँगी। तो 1 लीटर दूध को मैंने फाड़ने के लिए, छेना बनाने के लिए एक नींबू का इस्तेमाल किया है। एक नींबू के रस में मैंने 2 चम्मच पानी का मिलाया है और इसे अब हम धीरे धीरे कर दूध के उबाल आने के बाद हम इसमें धीरे धीरे कर मिक्स करेंगे। और जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए। तो ऐसे ही हम एक एक चम्मच कर इसमें धीरे धीरे डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दूध फटना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे कर मैं सारा, जितने भी लेमन जूस मैंने ले रखा है, देखिए ये छेना अब बिल्कुल हमारा फट रहा है। तो इस स्टेज पे मैंने जितना भी लेमन जूस मेरे पास था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इट मीन्स 1 लीटर दूध के लिए 1 लेमन का पूरा जूस इसके अंदर चला जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये छेना पानी से अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। छेने को हम पानी से अलग कर लेंगे। इसे छानने के बाद मैं यहाँ 1 ग्लास पानी लूंगी प्लेन वाटर से। हम इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो भी नींबू का खट्टापन है वो छेने में से बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम धीरे धीरे एक नॉर्मल वाटर लेंगे 1 ग्लास और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब हम लोग इसको अच्छी तरीके से छान कर थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाए। और दूसरी साइड हमारा जो दूसरा 1 लीटर का बॉयल हो रहा है दूध, इसे भी हम अच्छी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए इसकी एक हम रबड़ी, थिक रबड़ी तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्त, पहले से ये जो हमारा मिल्क है वो आधा हो चुका है और इस तरीके से ये हमारा मिल्क काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसकी एक ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी में आ गई है। इसे 1 मिनट के लिए और हम चलाएंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ये रबड़ी ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो गई है। तो अब ना मैं इसके अंदर 1 कटोरी चीनी ऐड करूंगी। अगर ये स्पून से ले तो ये 4 टेबल स्पून शुगर है जिसे मैंने इसके अंदर ऐड किया हो, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। चीनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसे इसके अंदर थोड़ा अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए, और थोड़ी सी बॉयल आने पर जो हमने छेना रखा था वो हम अच्छे तरीके से क्रम्बल करके इस रबड़ी के अंदर मिक्स कर देंगे धीरे धीरे करके, और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट इसी तरीके से भून लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा दूध है वो छेने के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। अब नाउ इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी इलायची पाउडर और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, काफ़ी जूसी होती है। और मार्केट में तो अभी हम लोग मार्केट का कुछ भी खाना बहुत अवॉइड ही करते हैं, तो आप इसे घर में आसानी से बनाएं और खाएं। तो चलिए, ये कलाकंद हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट लिया है और उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम लोग इसे सेट करने के लिए इस प्लेट के अंदर डालेंगे। और इसे अच्छे तरीके से प्लेट के अंदर स्प्रेड करेंगे ताकि एक बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी जितनी मोटाई होती है उतनी बड़ी उतनी मोटाई हो सके। तो इसे हम अच्छी तरीके से दबा दबा कर इसे अच्छे तरीके से सेट करेंगे और ऊपर से हम अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे। और उसके बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये जो हमारा कलाकंद है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, कलाकंद कितना दानेदार और कितना खिला खिला बना है। अब हम इसे एक नाइफ के सहायता से इसके अंदर कट लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कलाकंद हमारा सेट हो चुका है। नाउ अब हम लोग इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये एक छोटी सी रेसिपी है, नाम कलाकंद है इसका, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मार्केट में आप जब भी जाते होंगे, हर स्वीट मिठाई की शॉप पे ये बहुत इजीली मिल जाती है। तो आप इसे घर पर बनाकर खाएं, इस तरीके से बनाएं, बहुत झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है ये। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। और अगर आपको ये मिठाई अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।